अमर उजाला डिजिटल। आज हम जहाँ पर हैं ये स्थान है गैरसैंण विकासखंड का अति दुर्गम चौरासैंण, लगभग समुद्र तल से 6,500 फीट की ऊंचाई पर है। और ये मानिए कि सर्दियों में जनवरी और फरवरी पूरे महीने ये बर्फ से ढका रहता है। ये यहाँ का स्कूल है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय चौरासैंण। आप देख सकते हैं कि इस विद्यालय में बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ हैं, जिस प्रकार से दूरस्थ विद्यालय है उस प्रकार से व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी हैं। करीब 34 से अधिक यहाँ पे छात्र संख्या है दुर्गम होने के बावजूद, और इसका श्रेय जाता है यहाँ के शिक्षकों को। यहाँ पे शिक्षक हैं जो प्रधानाध्यापक हैं वो है मुकेश नेगी जी। इनसे बात करते हैं कि इन्होंने क्या व्यवस्था करी है। लाइब्रेरी इस स्कूल में है, प्रोजेक्टर से इस स्कूल में पढ़ाई होती है, कंप्यूटर शिक्षा यहाँ के नौनिहालों को दी जाती है। इसके अलावा विद्यालय का इन्होंने जो प्रांगण बनाया है बहुत सुंदर बनाया है, बहुत मासूम, बहुत अच्छा बनाया है, जिससे कि अभिभावकों का भी इस स्कूल के प्रति रुझान है। तो हमारे साथ है मुकेश नेगी जी, इस स्कूल के प्रधानाध्यापक। मुकेश नेगी जी, आप इस स्कूल के बारे में कुछ बताएंगे कि आपने इसको कैसे बेहतर संवारा है। धन्यवाद कुमारी जी, आपका स्वागत हमारे विद्यालय में, कि आप हमारे विद्यालय में आए। राजकीय प्राथमिक विद्यालय चौरासैंण में मुझे यहाँ पर 10 साल हो गए हैं और 7 साल मुझे जो है यहाँ पर हेड मास्टर का जो पद संभालते हुए हो गया है। विद्यालय में धीरे 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 करके जो है ये कार्यक्रम हुआ है। बहुत पहले यहाँ पे जो है स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं थी, धीरे धीरे गांव वालों का जो सहयोग, बच्चों का जो सहयोग, हमारे तरफ से केवल प्रयास किया गया कि हम कुछ नया करें। और नया करने का जो प्रयास हुआ कि बच्चों को सबसे पहले तो स्वच्छता पर हमने ध्यान दिया, शारीरिक स्वच्छता, बच्चे स्वच्छ होकर आने लगे, फिर पढ़ाई पर ध्यान दिया। यहाँ के जो भौतिक संसाधन है उनको सही करने में ग्राम प्रधान जी का सहयोग, क्षेत्र पंचायत जी का सहयोग, जिला पंचायत जी का सहयोग, माननीय विधायक जी का सहयोग, SMC का सहयोग, बूंद संस्था का सहयोग और गोदाम्बरी देवी नौनी चैरिटेबल ट्रस्ट का सहयोग, इन सब के सहयोग से भौतिक संसाधन यहाँ पर पूरे हुए। तत्पश्चात जो है यहाँ पर जो विभागीय जो सुविधाएँ हमें मिली है वो मिला यहाँ पर जो है कंप्यूटर लैब, अन्य अन्य चीज़ें। और उसके बाद जो हमने क्या किया यहाँ पर बच्चों को जो पढ़ाना स्टार्ट किया, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हमने जो प्रयास किया उसका परिणाम बहुत अच्छा मिल रहा है। जो आपने फुलवारी की बात की है ये धीरे 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 करके भोजन माताओं के सहयोग से, अन्य के सहयोग से ये अच्छा बना। इसके साथ साथ हमारे बच्चे यहाँ पर खेल कूद के मामले में जो है बहुत अच्छे रहते हैं, तो उनको खेल कूद के मामले में आगे आगे ले गए। हमारे बच्चे प्रत्येक साथ उदयमान खेल छात्रवृत्ति में भी निकल ही रहे हैं और स्टेट लेवल तक हमारी जो लगभग 12 बच्चे स्टेट लेवल तक खेलकूद प्रतियोगिताओं में जा चुके हैं। तो ये था चौरासैंण विद्यालय और इसका बेहतर परिणाम यह है कि यहाँ के बच्चे खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं और स्टेट लेवल तक जाते हैं। ये है एक सरकारी विद्यालय का बेहतर प्रयास का नमूना। ये वाला हमारे पास है, ऐसा है ठीक। अब इसके जो 1, 2, 3, 4 टुकड़े थे, हम एक टुकड़ा क्या कहलाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।